लोकसभा में देर रात तक कोरोना पर चर्चा, विपक्ष का सरकार पर महामारी से निपटने में लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री आज दे सकते हैं जवाब। अमेरिका में ओमिक्रॉन के दो और मामले आए सामने, अब तक 30 देशों में कुल 377 ओमिक्रॉन केस। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के दो केस मिलने से हड़कंप, आज कर्नाटक सीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग, जल्द होगा नए एसओपी का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंका, 5 गुना ज्यादा खतरनाक है नया वेरिएंट, 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस। ब्रिटेन में गुरुवार को कोरोना के 53,945 मामले दर्ज हुए हैं, 17 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से अब तक 37 उड़ानें भारत आई, कुल 10 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, कोरोना सैंपल में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उसे भेजा गया है। अखिलेश यादव का मिशन बुंदेलखंड जारी है, आज झांसी में निकालेंगे विजय रथ यात्रा, सैकड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने का एसपी ने किया दावा। आज सुबह करीब 10:30 बजे अखिलेश यादव निकालेंगे रथ यात्रा के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज सीएम योगी राज्य के 16 प्रतिभाशाली दिव्यांगों को देंगे पुरस्कार, आज सुबह 11 बजे लखनऊ में कार्यक्रम। यूपी के गाजीपुर में यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा एसपी सरकार में होती थी गुंडागर्दी, अब समाप्त है, गरीबों के कल्याण का काम कर रही है बीजेपी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा बीजेपी 2022 चुनाव में 300 प्लस सीट जीतेगी, गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी की गोपनीय बैठक। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा जहां पे हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थान है वो सभी भव्य बनने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव दौरे पर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा उन्नाव की मोहन विधानसभा में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का 5 पार्टियों के साथ गठबंधन, सूत्रों के हवाले से खबर, 355 से 360 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के यूपी दौरे पर गरमाई सियासत, बीजेपी का वार, कोरोना की तीसरी लहर के बीच आलाकमान को खुश करने में व्यस्त सीएम। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। आज पीएम मोदी सुबह 10 बजे इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन, 70 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, आयोजन में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके होगा शामिल। मनीष तिवारी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक 1999 से हो रही है लेकिन पहली बार उरी में सरकार ने पब्लिक ऑनरशिप ली, उरी से कुछ होता तो पुलवामा नहीं होता। मनीष तिवारी ने यूपीए सरकार पर भी सदा निशाना, कहा 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेना, यूपीए सरकार की कमजोरी। चीन के साथ तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के संबंध ही सीमा की स्थिति बताएंगे। ट्विटर ने बंद किए 3,500 अकाउंट्स, चीन रूस समेत 6 देशों में सरकार के समर्थन में प्रोपोगेंडा करने का। प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कहा था 24 घंटे में कदम उठाइए नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल फिर बंद, अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे, प्रदूषण के चलते लिया फैसला। आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम से बंगाल में हिंसा और कानून व्यवस्था की करेंगे शिकायत। लखनऊ में शहीद पथ पर फाइटर जेट मिराज का टायर चोरी, ट्रेलर के जरिए जोधपुर एयरबेस भेजे जा रहे थे 5 टायर, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए ओडिशा में एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की तैनाती, 3 दिन के लिए 95 ट्रेनें रद्द, तटीय इलाकों में बारिश की आशंका। टिकैत गुट को किसान आंदोलन पर लग सकता है झटका, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, पंजाब के 32 में से 29 संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गिरी गाज, उद्धव ठाकरे सरकार ने किया निलंबित, 100 करोड़ के वसूली कांड में आरोपी है परमबीर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का बीटीटी रिट्रीट समारोह, नेवी बैंड के साथ जवानों ने की परेड। मुंबई में नौसेना के कमांडरों ने किया अपने कौशल का प्रदर्शन, समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर से दिखाया करतब, 4 दिसंबर को मनाया जाएगा इंडियन नेवी डे। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द शुरू करेगी प्रतिज्ञा के पद पर, उत्तराखंड कार्यक्रम लोगों से ली जाएगी घोषणा पत्र को लेकर राय। हल्द्वानी को उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे की सौगात, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले फेज का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बीजेपी नेता ने कराई एफआईआर, कुछ दिन पहले भी थी कहा। हरिद्वार में एमपी के सीएम शिवराज ने बाबा रामदेव के साथ किया योग, पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे शिवराज से। बिहार के मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर, 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, इन्फेक्शन की वजह से 19 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी। बिहार के सहरसा में ज्वेलरी की दुकान में से 44 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, सोने चांदी की दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार, गिरफ्तार।
मौसम में बदलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा, डल झील के पास पर्यटकों का जमघट। नेपाली एयरपोर्ट का बुरा हाल, यात्रियों को रनवे पर विमान को लगाना पड़ा धक्का, टायर फटने के बाद रनवे पर खड़ा था विमान। मैक्सिको की सरकार ने दैनिक न्यूनतम वेतन में की 22% की बढ़ोतरी, व्यापार संघों के फैसले का किया स्वागत, अगले साल से लागू होंगे आदेश। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा मैच। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बीसीसीआई से बात कर रही है टीम, विराट ने कहा हमारा फोकस मुंबई टेस्ट, दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जल्द साफ होगी तस्वीर। मुंबई टेस्ट में कोहली और अश्विनी के पास रिकॉर्ड बनाने का है मौका, कोहली 2 शतक से रिकी पॉन्टिंग का तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी में, कंपनी के नए सीईओ 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग एयरबस से कर रहे हैं बातचीत। सरकार आज लॉन्च करेगी भारत बॉन्ड ETF की तीसरी सीरीज, आज से 9 दिसंबर तक कर सकते हैं निवेश, भारत बॉन्ड ETF 15 अप्रैल 2032 में होगा मैच्योर। CBDT ने 1.5 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को दिया 1,29,210 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर पर दी जानकारी। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी टाइगर श्रॉफ के सर पर सवार फिटनेस का बुखार, जिम में जमकर पसीना बहाते आए नजर। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर साझा किया वर्कआउट का दिलचस्प वीडियो, ट्रेडमिल पर जमकर एक्सरसाइज करती आ रही है नजर।